देखिए यूपी में आज का दिन सियासी हलचल से भरा रहने वाला है। पीएम मोदी पूर्वांचल में होंगे तो इधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मेरठ में पहली साझा रैली होगी। मेरठ का इलाका पश्चिमांचल में आता है। पूर्वांचल में मोदी गोरखपुर पर रहेंगे और यूपी को 9600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं अखिलेश के एजेंडे पर गठबंधन को मजबूत बनाना है। तो आज यूपी में सियासत जोरों पर रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, साथ ही अखिलेश और जयंत चौधरी की साझा रैली होगी। देखिए आज पीएम मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में रहने वाले हैं और वहां पर किस तरह से क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होगा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं। देखिए गोरखपुर में पीएम मोदी होंगे, 9614 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और पूर्वांचल के पहले एम्स का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में ही। और 30 साल से बंद खाद कारखाने का भी उद्घाटन करेंगे। एक तरीके से पूर्वांचल को सौगात देंगे खाद कारखाने की, जो 30 साल से बंद पड़ा हुआ था। आईसीएमआर आरएमआरसी की नई इमारत का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए 22 जुलाई 2016 को शिलान्यास किया गया था गोरखपुर में खाद कारखाने का, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है और आज कारखाना पिछले 30 साल से बंद पड़ा था लेकिन अब इसे नई जिंदगी मिलने जा रही है और इसको बनाने में 8603 करोड़ की लागत आई है। इसका शिलान्यास 22 जुलाई 2003 को हुआ था, माफ कीजिएगा 2016 को हुआ था। एरिया है 600 एकड़, इससे 20,000 नौकरियां बनेंगी। यूरिया का उत्पादन होगा 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा और ये कारखाना जून 1990 से बंद पड़ा था लेकिन अब इसे देश में खाद की खपत आपूर्ति बढ़ सकेगी और इससे करीब 20,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन भी आज होने जा रहा है और ये पूर्वांचल का पहला एम्स होगा। 22 जुलाई 2016 को इसका शिलान्यास हुआ, साथ ही ओपीडी का भी उद्घाटन 24 फरवरी 2019 को हुआ। यहां पर कितने बेड होंगे ये भी आपको बता देते हैं, 750 ये संख्या है। बड़ी संख्या में यहां पर बेड भी उपलब्ध होंगे। ऑपरेशन थिएटर यहां पर 14 बनाए गए हैं। लागत कितनी आई है ये आपको बता देते हैं, 1011 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितना एरिया है, कितनी एकड़ में ये बना हुआ है तो ये भी आपको बता रहे हैं, 112 एकड़ जमीन में ये एम्स का पूरा परिसर बना है। MBBS सीट यहाँ पर कितनी उपलब्ध होंगी वो भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, तो 125 सीट्स हैं MBBS की जो यहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो यूपी में चुनाव नजदीक है, पीएम मोदी भी मिशन यूपी में लगे हुए हैं और इसलिए लगातार उत्तर प्रदेश को सौगातें दे रहे हैं। हम आपको 10 बड़ी सौगात बताते हैं। पहली बड़ी सौगात 15 जुलाई 2021 वाराणसी में रुद्राक्ष केंद्र समेत 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात यहां पर मिली। 14 सितंबर 2021 की बात करें, अलीगढ़ में बड़ी सौगात राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ। 5 अक्टूबर 2021 लखनऊ में 4737 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाओं का भी सौगात यहां पर मिली। 25 अक्टूबर 2021 की बात करें, 5189 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। सुल्तानपुर 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। 19 नवंबर झांसी में 3425 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री ने दी। ऐसे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भी किया गया ग्रेटर नोएडा में 25 नवंबर 2021 को। 10 तस्वीरें आपके सामने, वाराणसी अलीगढ़ लखनऊ कुशीनगर, साथ ही 25 अक्टूबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे सौगात देने के लिए उत्तर प्रदेश वासियों को। सिद्धार्थ नगर में उन्होंने सौगात दी, वाराणसी सुल्तानपुर झांसी में भी उन्होंने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो यूपी में आज सियासी हलचल तेज रहने वाली है और पीएम मोदी पूर्वांचल में होंगे तो इधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहली बार एक साथ पश्चिमांचल में साथ नजर आएंगे। इसके सियासी मायने क्या है आइए वो भी आपको हम दिखाते हैं। नए समीकरणों और नए गठबंधन ने यूपी चुनाव में पूर्वांचल और पश्चिमांचल की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि यूपी के 75 में से 47 जिले इन दोनों इलाकों में आते हैं। 403 सीटों में से 66% सीटें दोनों इलाकों में हैं। करीब 21 करोड़ आबादी में से 15 करोड़ लोग इन्हीं दोनों इलाकों में रहते हैं।
अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के नए गठबंधन को उम्मीद है कि पश्चिमांचल में वो बीजेपी को हरा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जाट इलाका है, वो ज्यादातर किसान का है और उन्हें लगता है कि किसानों के मुद्दे के साथ साथ रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे मिलाकर बीजेपी को वो आसानी से रोक सकते हैं। जो उनकी वादा खिलाफी है, गन्ने का पेमेंट 14 दिन में नहीं हो रहा, अभी भी हजारों करोड़ का बकाया है, अमीर इतना अमीर हो गया, आपकी जो 100 और 200 टॉप लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी वेल्थ देख लीजिए, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट की वेल्थ देख लीजिए और मिडिल क्लास की स्थिति देख लीजिए, और जो सबसे निचले पायदान पे है इसको रोज मजदूरी करके मतलब रोटी का इंतजाम करना है, रोटी चटनी उसको आज नसीब में नहीं हो रही। कानून व्यवस्था बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन जमीन पे आप देखिए, आंकड़े आप देखिए तो धज्जियां उड़ गई हैं, कोई सम्मान ही नहीं रहा कानून का। हालांकि बीजेपी के मुताबिक अखिलेश और जयंत की ये जोड़ी कुछ भी नहीं कर पाएगी, पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी को बड़ी जीत की पूरी उम्मीद है। 2022 में 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर एक बार ये सपा बसपा कांग्रेस जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, वह जनता बता देगी कि यह सपने सच होने वाले नहीं है, ये मुंगेरी लाल के ही सपने। अब सवाल यह है कि बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। राजनीति के जानकारों के मुताबिक बीजेपी को लगता है कि पूर्वांचल और पश्चिमांचल में पिछली बार उनका जैसा प्रदर्शन था वैसा ही इस बार भी होगा। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की इन दोनों ही इलाकों की तुलना की जाए तो ट्रेंड का बहुत कुछ पता चलता है। पूर्वांचल में कुल 130 सीटें आती हैं, जबकि पश्चिमांचल में 136 सीटें। पिछली बार के चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी ने 87 सीटें, वहीं पश्चिमांचल में बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा किया। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने 14 सीटों पर कब्जा किया, वहीं पश्चिमांचल में समाजवादी पार्टी ने 21 सीटें जीती। अगर आरएलडी की बात करें तो पूर्वांचल में उसके पास एक भी सीट नहीं आई थी, जबकि उसने अपने गढ़ पश्चिमांचल में सिर्फ एक ही सीट वो जीत पाए थे। हालांकि इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए लगते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के बदले आरएलडी के साथ गठबंधन किया है। जयंत चौधरी के मुताबिक उनके और अखिलेश के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। 403 सीटों पर गठबंधन लड़ेगा जी। मजबूती से लड़ेगा जी। कहीं हमारा सिंबल होगा, कहीं उनका सिंबल होगा, कहीं दूसरी पार्टियां साथ आ रही उनका सिंबल होगा, सम्मान सबका किया जाए। काफी हद तक सारी चीज तय हो गई है और अभी भी हम देखेंगे चुनाव के आखिरी पल तक जी। कौन हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जमीन पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई चीज पक्का नहीं है। जब तक आपको सिंबल ना दे दिया जाए, जब तक नॉमिनेशन ना हो जाए, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा उम्मीदवार कौन है। लेकिन जयंत चौधरी के साथ साथ अखिलेश को भी पता है कि राह बेहद मुश्किल रहने वाली है। दोनों के बीच गठबंधन होने के बावजूद बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। अखिलेश और जयंत चौधरी को लगता है कि गठबंधन से उन्हें पश्चिमी यूपी में फायदा जरूर मिलेगा, जाट और मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में ला सकते हैं, पश्चिमी यूपी के किसानों का साथ मिल सकता है, किसान आंदोलन से बीजेपी को होने वाले नुकसान का उन्हें फायदा मिल सकता है। शायद इसलिए चुनाव को योगी मोदी बनाम अखिलेश जयंत बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी भी इन सारी बातों से अनजान नहीं है और इसलिए उसने पूर्वांचल पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया है। बीजेपी को लगता है अगर पश्चिमांचल में उसे नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई पूर्वांचल में कर लेगी। सवाल यह है कि बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है। ये हो सकता है कि बीजेपी को लगता है कि सीएम और पीएम दोनों के पूर्वांचल से होने का फायदा मिलेगा। जिन जिलों में वो कमजोर है वहाँ जनाधार पिछले कुछ वक्त में बढ़ा है, पिछले चुनाव में अपने कम स्ट्राइक रेट को सुधारा गया है, इसलिए लगातार पूर्वांचल पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी और अब गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री, दो बड़ी लैब्स का उद्घाटन भी इसी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। जाहिर है एक तरफ बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत साथ आकर बीजेपी के किले में सेंध लगाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और कौन कामयाब होगा इसका पता तो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से ही लगेगा। ABP News आपको रखे आगे।